इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने 1995 में मुझ पर हमला करवाया था, तब 1995 में कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस इस पर कभी क्यों नहीं बोलती है? उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने मुझे बचाया था। मायावती ने आरोप लगाया कि उस वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीयत भी खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहां यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। मायावती ने कहा कि उस वक्त एसपी के आपराधिक तत्वों से बीजेपी समेत पूरे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में अपना दायित्व निभाया, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? उन्होंने अपने लोगों को सचेत रहने की सलाह भी दी है। वहीं मायावती ने राजनीति से संन्यास की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उनके बारे में इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। और मायावती के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने कड़ा एतराज जताया, उनका कहना है कि बहन जी ने किसी मजबूरी में ये बात कही है, वहीं बीजेपी ने मायावती के पोस्ट का समर्थन किया है। और दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी में काशीराम जी की तस्वीर देखता है। बहन जी की कुछ जो भी मजबूरी हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन जो आज सबसे बड़ी लड़ाई है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा था, जब आरक्षण पे हमले हो रहे थे, जब अनुसूचित वर्गों के सभी जो समान अधिकार हैं उस पे हमले हो रहे थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी लोग, अलायंस के लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे। भारत में मौजूद तमाम राजनीतिक दल, वामी, कांगी, लिबरल, अगर इनका चरित्र देखेंगे तो दोहरापन साफ नजर आता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पे आंसू बहाते नजर आते हैं, बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, बलात्कार होते हैं, तो इनके मुंह में जबान नहीं नजर आती है, चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात सत्य है, भारत का धर्म सनातन धर्म है और जो धर्मनिरपेक्षता है वो इसीलिए हिंदुस्तान में है कि यहाँ का धर्म सनातन है, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू है। इधर अखिलेश यादव ने मायावती का धन्यवाद किया। अखिलेश ने कहा कि मायावती के आभार जताने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब कोई आभार नहीं लेता। इसके पीछे बीजेपी की चाल है, बीजेपी किसी को साथ नहीं आने देना चाहती। दरअसल मथुरा के मांड क्षेत्र से बीजेपी विधायक ने मायावती पर विवादास्पद टिप्पणी की। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन एक महिला के रूप में उनकी गरिमा को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी पर मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव का आभार जताया। मायावती के आभार पर अखिलेश यादव ने धन्यवाद दिया है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। नहीं, आभार के बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया क्या? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते, और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से, मन से। स्टार प्रचारक बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल। जम्मू कश्मीर को लेकर चुका है कि बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रभारी पहले ही नियुक्त कर दिए गए थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है, यानी कि योगी आदित्यनाथ में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जनसभा और रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे।
कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। किसान आंदोलन वाले बयान से बीजेपी का किनारा, कंगना का बयान कि पार्टी का मत नहीं है, ये कहना बीजेपी का कि कंगना ने जो बात कही है वो पार्टी का मत नहीं है, बीजेपी ने साफ कर दिया है। कंगना ने किसान आंदोलन पर एक बयान दिया था, बीजेपी ने खुद को उससे अलग कर लिया है।